हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, यदि आप 2022 में डिप्लोमा इन फार्मेसी में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। आपके लिए जो 2022 में एडमिशन लेने वाले उनके लिए दो इंपॉर्टेंट न्यू अपडेट है, क्या चेंजेज हुए हैं, प्लस डी फार्मा क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, एडमिशन प्रोसेस क्या है, कितनी फीस लगती है, क्या स्कोप है, फ्यूचर कैसा रहेगा, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा, राइट इन्फॉर्मेशन दूंगा। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डी फार्मा के बारे में कि आखिर वो दो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन क्या है। सबसे पहली बात है एग्जिट एग्जाम, दूसरा है कि ट्वेल्थ करने के बाद डी फार्मा नहीं कर पाएंगे। ये दोनों अपडेट्स हैं, इस दोनों पे मैं विशेष रूप से चर्चा करूंगा लास्ट में। पहले हम लोग जानते हैं डी फार्मा आखिर है क्या, नॉर्मल सी बातें जो हर वीडियो में मैं करता हूं, लेकिन यदि आप न्यू है तो आपको भी बताना मेरा फर्ज बनता है। सबसे पहले डी फार्मा यानी डिप्लोमा इन फार्मेसी, यदि आप फार्मास्यूटिकल्स में आना चाहते हैं, फार्मास्यूटिकल्स में आना चाहते हैं, तो आपको सबसे मिनिमम क्वालिफिकेशन, एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन कम से कम एक डिप्लोमा इन फार्मेसी की डिग्री धारक होना चाहिए। तो डिप्लोमा इन फार्मेसी सबसे मिनिमम क्वालिफिकेशन वाला है, यानी इसका कितना ड्यूरेशन होता है, 2 इयर्स ये कोर्स का होता है, इसमें सेमेस्टर नहीं होता है। न्यू पीसीआई जो पीसीआई है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के अनुसार, यहाँ पे सेमेस्टर्स नहीं होते, यहाँ पे इयर्स के अनुसार कोर्सेज चलते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके ड्यूरेशन, 2 साल का कोर्सेज होता है। प्लस अब हम लोग बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन बच्चे इस कोर्स को कर सकते हैं, क्योंकि डी फार्मा के बारे में हर कोई जानता है कि आखिर है क्या, कि इसके बाद आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहली बात है एलिजिबिलिटी, इसका नॉर्मल सा है, यदि आप 12th में साइंस बैकग्राउंड से, साइंस यानी यदि आप मैथ से हैं या फिर बायो से हैं, दोनों वाले बच्चे इसमें एलिजिबल होते हैं। प्लस क्या, ये तो एलिजिबिलिटी समझ में आ गया, एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, तो देखिए हर स्टेट में अगर गवर्नमेंट कॉलेज है तो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन टेस्ट भी होता है जिसको सीयूईटी भी हम लोग कहते हैं, तो सीयूईटी के थ्रू भी फार्मेसी में आप एडमिशन ले सकते हैं। यदि आप यूपी के स्टूडेंट हैं तो यूपी पॉलिटेक्निक ग्रुप ई के एंट्रेंस एग्जाम को पास करके आप ले सकते हैं, जैसे राजस्थान में RUHS के माध्यम से होता है, बिहार में DCEC के माध्यम से होता है, और भी सारे स्टेट्स हैं, सब में अलग अलग होता है, आप अपने स्टेट्स के लिए गूगल करके जान सकते हैं। ठीक है, मैं इतने स्टेट्स के बारे में जानता था जितना ही बता दिया। ठीक है, और कुछ कॉलेजेस में डायरेक्ट एडमिशन भी होते हैं, प्राइवेट कॉलेज में मैक्सिमम डायरेक्ट एडमिशन होते हैं, और प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले आप सावधान रहिए, पहले उस कॉलेज के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन लीजिए, क्या 1-2 बैचेज वहां से पास आउट हुए हैं, उनका रजिस्ट्रेशन हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, ऐसा है। अब डी फार्मा करने के बाद फीस कितनी होती है, सबसे बड़ी बात होती है डी फार्मा की फीस। गवर्नमेंट कॉलेज में आपका अप्रोक्सीमेट पर ईयर ज्यादा से ज्यादा 10-15,000, 10-20,000 के अंदर पर ईयर फीस होगी, लेकिन यदि आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन करवाते हैं तो 70-80,000 पर ईयर करना होगा आपको एक्सपेंस। यदि 70-80,000 पर ईयर है तो 2 साल का आप खुद ही हिसाब लगा सकते हैं। पहली बात ये हो गई। अब दूसरे बात पे हम आते हैं, डी फार्मा करने के बाद आप कर क्या पाएंगे, आपका क्या होगा। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि डी फार्मा करने के बाद एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन जाते हैं, यानी आपको स्टेट फार्मेसी काउंसिल के द्वारा आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है, यानी लाइसेंस मिल जाता है, और उस लाइसेंस के बदौलत आप कहीं भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन सकते हैं, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट बन सकते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स प्राइवेट क्लिनिक में आप एज ए फार्मासिस्ट वर्क कर सकते हैं, प्लस आप खुद का एक मेडिकल स्टोर भी डाल सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई परेशानी नहीं होगी, बस वो डिग्री आपको कहीं सही जगह से लेना है, प्लस उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, इसीलिए मैं प्राइवेट कॉलेज के बारे में बताने वाला था। अब हम लोग बात करते हैं कि क्या इसका फ्यूचर क्या है, डी फार्मा का फ्यूचर क्या है। तो मेडिकल सेक्टर में आपको पता है कि ये स्किल डेवलपमेंट कोर्स है, आपके अंदर स्किल आना चाहिए, सिर्फ डिग्री से कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये मेडिकल फील्ड में स्किल आपके अंदर आया है तो आप एक छोटे से छोटे कोर्स करके भी अच्छे से अमाउंट को कमा सकते हैं। यहाँ पे वही बातें होती है कि यदि आप डिप्लोमा इन फार्मेसी में अच्छा स्किल अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं तो आपको अपने फ्यूचर के लिए कुछ नहीं सोचना होगा, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन फ्यूचर ब्राइट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, पहली बात ये हो गई कंप्लीट।
अब हम लोग बात करते हैं जो हम लोगों ने शुरुआत में बात करी थी कि 2022 में यदि आप डिप्लोमा इन फार्मेसी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो क्या क्या दो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो देखिए, पहला ऐसा होता था पहले कि आप डी फार्मा में एडमिशन लीजिए, दो साल पूरे हुए, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा फर्जीवाड़ा होता है, सिर्फ डिग्री ले लिए जाते हैं। लेकिन इसको सुधार करने के लिए कि आपको एग्जिट एग्जाम लाया गया है, यदि आप डिफार्मा करते हैं 2022 के बाद से, तो आपको कंप्लीट होने के बाद एक एग्जिट एग्जाम लिया जाएगा, और उस एग्जाम में यदि आप पास होते हैं तभी आपको लाइसेंस मिलेगा, तभी आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। और यदि आप हल्का सा भी, नॉर्मल सा भी पढ़ते हैं, मतलब रेगुलर क्लासरूम में रहते हैं, थोड़ा बहुत अच्छे परफॉर्म करते हैं क्लास में, तो आपको एग्जिट एग्जाम के लिए टेंशन नहीं लेना है। एग्जिट एग्जाम का लेवल बहुत ज्यादा टफ नहीं रहेगा, वो कोई कंपटीशन नहीं है, एक एग्जाम है, बस आपको पास करना होगा, ठीक है? क्योंकि कंपटीशन में थोड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि वहां पे होता है कि सीट्स कम होते हैं और स्टूडेंट्स ज्यादा होते हैं, लेकिन यहां वो नहीं है। जितने स्टूडेंट्स पास होंगे सबको लाइसेंस मिलेगा, ठीक है? तो उतना ज्यादा टफ नहीं है ये। इस पे तो कंफर्म पीसीआई के द्वारा नोटिफिकेशन आ गया है, ठीक है? लेकिन दूसरा नोटिफिकेशन ये था कि 12th के 5 साल बाद, 5 साल के 12th के बाद, आप यदि 12th कंप्लीटेड है और 5 साल के अंदर ही आपको करना होगा, 12th के बाद 5 साल के अंदर आपको डिप्लोमा इन फार्मेसी में एडमिशन लेना होगा। पहले ऐसा होता था कि आप 35 साल 40 साल के हैं फिर भी डिप्लोमा इन फार्मेसी में एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। लेकिन ये जो नोटिफिकेशन है इसको अभी पीसीआई के द्वारा अप्रूव्ड नहीं किया गया, लेकिन जल्द ही कर दिया जाएगा, इसलिए आप सावधान रहिए। और बस इतनी ही बातें हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी को लेकर के। अगर आपके और भी कोई डाउट्स हैं कि क्या है, किससे क्या प्रॉब्लम है, क्या सिलेबस है, तो कंप्लीट मैं बताते रहूंगा एक सीरीज के माध्यम से। एक ही वीडियो में मैं सारी बातें नहीं करूंगा, सिलेबस के बारे में कोई नेक्स्ट वीडियो आपके लिए आ जाएगी। आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, उदित फार्मेसी, उदित अकेडमी से जुड़े रहिए। उदित फार्मेसी भी हमारा यूट्यूब चैनल है जहां पे फार्मेसी के लिए पूरा डेडिकेटेड होता है। उदित अकेडमी हम बच्चों को एडमिशन कराने में हेल्प करते हैं, बच्चों को एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करवाते हैं, और उदित फार्मेसी के माध्यम से हम लोग बच्चों जो फार्मेसी में एडमिशन ले चुके हैं उनके एकेडमिक्स फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में हेल्प करते हैं। इसी तरीके से हमारा एक एप्लीकेशन ऐप है, एप्लीकेशन है उदित फार्मेसी ऑनलाइन क्लासेस ऐप, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। यदि आप डी फार्मा फर्स्ट ईयर या फिर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट पहले से हैं तो आप हमारे कोर्सेज में एनरोल हो सकते हैं। और अभी दिवाली ऑफर्स भी समाप्त हो चुके हैं, लेकिन कोई नहीं, आपको एक अच्छे अफोर्डेबल प्राइस में बेस्ट कॉन्टेंट मिल जाएगा, ठीक है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियोस में। ओके, बाय बाय।